सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते। श्री तुलसी दिव्ये नमः। गंधां मक्षतां पुष्पाणि ध्यायामि समर्पयामि। श्री मां भगवती तुलसी दिव्ये नमः। हरि ओम महा दिव्यमालिकानां समर्पयामि। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गनये तस्मा तस्मान्मे सिद्धा भव अवेग्नं कुरु माले त्वं गृहाणां परमेश्वरा। हरि ओम ऋतुकालोद्भवफलानां च समर्पयामि। तिलकनं च समर्पयामि। श्री मां भगवती तुलसी दिव्ये नमः। हरि ओम महागंधाद्वारं दुराधरसां नित्यां पुष्टां करेश्वरे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामे पोयस्त्र्यां महा। श्री तुलसी दिव्ये नमः। श्रीमद्भागवत कथायै नमः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा भागवत भगवान जी को नमस्कार कर लीजिए। माता को भी दे दो फूल। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयां नमः। श्रीमद्भागवत देवतायै नमः। हरिः ओं गन्धां अक्षतां पुष्पाणि ध्यायामि समर्पयामि। तिलकनं च समर्पयामि। श्री भगवते श्री भागवत देवतायै नमः। दिव्यमालिकनं च समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्तादीनि वे प्रभो मया रेतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा। श्री भागवत भगवान की जय। ऋतुकालोद्भवफलानां च समर्पयामि। ओं जा भैर्जा अपला पुष्पा जा सपुष्पे बृहस्पतिमोञ्चान्त्वगंहसः द्रव्यदक्षिणानां च समर्पयामि। श्रीविष्णुरूपाय श्रीभागवतदेवताभ्यो नमः। श्रीव्यासदेवतायै नमः। श्रीशुकदेवतायै नमः। हरि ओं श्री हस्ते पुष्पं अक्षतां गृहीत्वा ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यदिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री व्यासदेवतायै नमः। हस्ते पुष्पं अक्षतां गृहीत्वा हरि ओम श्री व्यासदेवतायै नमः। इनके चरणों में रख दीजिए। ओम गन्धां अक्षतां पुष्पाणि ध्यायामि समर्पयामि। तिलकनं च समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्ता कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीव्यासाय नमः। व्यासदेवताय नमः। ॐ मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गनये तस्मान्मे सिद्धा भव। बोल श्री व्यासदेवता भगवान की। व्यास जी महाराज की। सुखदेव महाराज की। तुलसी महारानी की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरे की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे जय जय श्री। और ये 7 दिवस तक अपने फरीदकोट में बहेगी। हमारे फरीदकोट में पंडित जी तो वैसे प्रसिद्ध हैं, आप सब लोग जानते हैं पंडित जी के बारे में, तो क्या कहें। लेकिन पंडित जी के चर्चे हमारे वृंदावन में भी बहुत होते हैं और अपनी गुरु जी की कथा उधर भी बहुत चलती रहती है। तो ठाकुर जी की कृपा से इस भागवती गंगा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए, भागवती गंगा को एक दो गंगाएं हुई हैं इस धराधाम पे, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा और भागवती गंगा में स्नान करना है तो आपको कथा प्रांगण में आना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से भागीरथी गंगा को लाने के लिए एक भागीरथ जी की जरूरत पड़ी थी, उसी प्रकार से इस भागवती गंगा को लाने के लिए भी एक भागीरथ की जरूरत है। तो इस भागवती गंगा को लाने का पूरा श्रेय हमारे परीक्षित जी को, ताऊ जी को जाता है। एक बार ताऊ जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ठाकुर जी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं होता ये कथा श्रवण करने का, कथा कराने का। तो ठाकुर जी की कृपा से हमारे ताऊ जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को भी जितने भी अपने मिलने वाले हैं, और ठाकुर जी की कृपा से जगह जगह से बस की सुविधाएं कराई गई हैं पंडाल तक लाने के लिए। तो आप सब लोग बस से आने और जाने की सुविधाएं है, तो समय से पहुँचें, और आप लोग समय से पहुँचेंगे तभी आप लोगों को कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लोग समय से पहुँचे कलश यात्रा में, जैसे भी जिसको भी समय मिला उनके लिए भी व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी से कामना करते हैं आप हमेशा सकुशल सब प्रसन्न रहें, और परम पूज्य व्यास जी महाराज से आप सब की तरफ से हम अनुरोध करते हैं, हमको भी उसी भागवती गंगा में लेकर के चलिए जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराई, जहाँ भी जैसे भी श्रोताओं ने कथा श्रवण की, हमको भी उसी भागीरथी गंगा में लेकर के चलिए, भागवती गंगा में लेकर के चलिए। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज। श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण सतगुरुदेव यतो अन्वयादितरता कृपा। आज हम आप सबके ऊपर हुई और सभी मिलकर के इस पावन श्री राधा कृष्ण धाम में बैठ करके भगवान की भगवत कृपा भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी अभी विष्णुदास जी महाराज ने बताया, आपने श्रवण किया, सुना कि एक तो त्रिवेणी है, एक तो गंगा है जो हरिद्वार में है, और एक गंगा है मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। एक चलता फिरता प्रयागराज है, एक चलता फिरता तीर्थ राज है जिसमें डुबकियां लगाने का हम आप सभी को 7 दिन का मौका मिला है। तो उस मौके को सफल करने के लिए आइए। अनन्य विकारों से भरा हुआ ये हमारा हृदय, इसको पावन करने के लिए प्रभु का संकीर्तन करते हैं। जैसे तन को शुद्ध करने के लिए हम स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही मन को शुद्ध करने के लिए परमात्मा का संकीर्तन करते हैं। मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 शायद आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बड़ा प्यारा भजन अच्युतम केशवम कृष्ण सरकार की जय, भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की, परिषद जी महाराज की। आइए, कहते हैं सिंगनी का दूध निकालने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। सिंगनी का दूध निकालने के लिए काय का बर्तन चाहिए? सोने का बर्तन। सोने का बर्तन होगा तो सिंगनी का दूध टिकेगा, नहीं तो जमीन पर भी गिर जाएगा तो जमीन फट जाएगी, पत्थर पर भी गिर जाएगा तो पत्थर फट जाएगा। ऐसे ही इस पावन ग्रंथ को, इस पावन कथा को सुनने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं है, जब तक मन में अनेक विकार बसे हुए हैं, तब तक प्रभु की कथा सुंदर नहीं लगती, भाती नहीं है। ये कथा जो है आप सुनेंगे, काय की कथा है? भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से प्रारंभ होती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्रारंभ होती है। भक्ति तो सबके हृदय में है, सब जागृत है भक्ति के रूप में, लेकिन ज्ञान वैराग्य सबका सो रहा है। नारद जी ने बड़ी मेहनत करके, भक्ति तो जाग रही लेकिन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए इस कथा का मंथन किया, इस कथा के लिए प्रयास किया। आज भी मैं देखता हूं, आप देखते हैं, सारी दुनिया जानती है इस बात को, हर किसी के हृदय में भक्ति तो है। नाचते हैं, वृंदावन से जुड़े हैं, राधे राधे करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य सबका सोया पड़ा हुआ। और सच पूछी जाए तो एक बात मैं सत्य कह डालूं, आपको न बुरी लगे तो, कि ज्ञान वैराग्य को संजोने के लिए, तो ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, देखिए बात कहां से, वृंदावन से चलती है। वृंदावन में है भक्ति महारानी, तो नारद जी वहां देखते हैं कि एक स्त्री खड़ी है, दसों दिशाओं में देख रही है कि कोई मेरी मदद करे। उसकी चारों तरफ बहुत सारी औरतें खड़ी हैं, जैसे ही वहां से गुजरते हैं नारद जी, तो नारद जी को देख करके भक्ति महारानी प्रार्थना करती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशय। हे साधु, थोड़ी देर के लिए रुकिए, मेरी चिंता को दूर करिए। चिंता क्या है पूछा, कौन है देवी? तो भक्ति महारानी कहती है, मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ध्यान से सुने, बात यहीं से प्रारंभ होती है। ये जड़ है, जड़ मजबूत है कथा की, तो समझ लो कथा मजबूत है। जैसे मकान की जड़ मजबूत है तो मकान मजबूत है, और मकान की जड़ मजबूत नहीं है तो फिर मकान भी मजबूत नहीं है। क्यों? वृंदावन जैसे धाम में, जहां भगवान की नित्य लीला स्थली है, वहां भक्ति क्यों तरुण है? जबकि भक्ति कौन है? मां है। ज्ञान वैराग्य पुत्र है, मुक्ति जिनकी दासी है। भगवान जब अपना धाम छोड़ करके ये अपने धाम को जब जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो चले जाएंगे, तुम्हारे जाने के बाद कलयुग आ जाएगा। कलयुग में पाप का बोलबाला होगा, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। पाप के बोलबाले में ये भक्त लोग किसकी शरण में जाएंगे? जो आपके भक्त हैं वो किसकी शरण में जाएंगे? उनके लिए आश्रय क्या है? उनके लिए आधार क्या है? वह कहां रहेंगे प्रभु? तो भगवान ने कहा, देखिए, मैं संसार में एक भक्ति रूपी अपनी स्वरूप छोड़ जाता हूं। मुक्ति जिसकी जासी है, ज्ञान वैराग्य जिसके पुत्र हैं, तो वो भक्ति भगवान ने भक्तों के हृदय में स्थापित कर दी। लेकिन आज भक्ति को एक कष्ट आ गया कि उसके ही पुत्र मरणासन्न पड़े, बूढ़े हुए पड़े, और भक्ति बड़ी दुखी है। भक्ति चारों तरफ देख रही है कि कोई मेरी मदद करे। उसी समय नारद जी वहां से गुजरते हैं और भक्ति महारानी प्रार्थना करती है, प्रभु मम चिंता विनाशय, मेरी चिंता को दूर कर दिए। नारद जी ने पूछा, क्या दुख है आपको, ये कौन है आप? तो भक्ति कहती है, प्रभु मैं भक्ति हूं, और ये कौन है कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। मैं दुनिया में भ्रमण किया, सारी दुनिया में, कर्नाटक गई, मैं गुजरात गई, मैं मध्य प्रदेश गई, सब जगह मेरा भी यही हाल हो गया जो मेरे पुत्रों का हाल है। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं, मैं तो तरुण हो गई हूं, लेकिन मेरे पुत्र आज भी उसी अवस्था में पड़े हैं। तो प्रभु आप तो नारद हैं, संत तो हमेशा कोमल हृदय होते हैं। संत के बारे में रामायण में, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किसी ने कहा संत का हृदय कैसा होता है, तो किसी ने कहा सबसे कोमल होता है मक्खन। संत हृदय नवनीत समान, कोमल होता है। कितना कोमल होता है? तो कहा मक्खन के बराबर कोमल होता है। तो कहा मक्खन के बराबर कोमल होता है, तो मक्खन तो फ्रिज में रखा हुआ है और दूध जल रहा है, तो क्या मक्खन पिघलेगा फ्रिज में रखा हुआ? नहीं पिघलेगा ना। फ्रिज में मक्खन रखा है, दूध जल रहा है, तो क्या मक्खन पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। लेकिन संत का हृदय पर दुखद्र भाई, कोई और दुखो दुखी है, किसी और को कष्ट है, संतों को दुख हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं संत का हृदय कैसा है, मक्खन जैसा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे किसी और पर कष्ट आए मक्खन पिघलता नहीं है। लेकिन किसी और पर कष्ट आए तो संत पे लग जाता है। इसलिए संत का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। आज नारद जी ने भक्ति को देखा तो नारद जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र ये ज्ञान वैराग्य इनको मैं तो ठीक कर देता हूँ, आप चिंता क्यों करती हैं, आप घबराएं नहीं। अरे आप तो भगवान की बड़ी प्रिय हैं, भगवान आपको कहीं भी बुला लेते हैं, तो नीच घर में भी आप जहाँ होती हैं वहाँ भगवान खुद आते हैं। इसलिए क्या कहना भक्ति महारानी, आपको तो बड़ी कृपा है। अब आपके पुत्र ये जर्जर पड़े हैं, इनको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो क्या किया, गीता पाठ मुहुर्मुहु वेद घोषई, वेदों का उद्घोष किया कान में, गीता जी का पाठ सुनाया, बार बार कहा अरे वैराग्य जागो, अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग्य जागो। लेकिन न तो वैराग्य जागा न ज्ञान जागा। नारद को चिंता हो गई। नारद चिंता करने लगे क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने वेद वेदांत के सार सुनाए, मैंने गीता जी का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को बोध ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे हाथ से जब तक कोई सत्कर्म नहीं होगा तब तक जो है ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आएगी। तो नारद जी ने चिंता की कि भाई आकाशवाणी तो हुई लेकिन स्पष्ट नहीं बताया। आकाशवाणी ने आकाशवाणी कहती है कि जब तक सत्कर्म नहीं होगा तब तक जो है ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आएगी। अब नारद जी क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं भैया कौन सा सत्कर्म करें जिससे कि ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाए। इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, जगह जगह पूछते फिर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं बन रही है। आखिरकार नारद जी को भेंट हुई सनत कुमार आदि ऋषियों से। सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा अरे नारद जी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, और कुछ चिंता पर दिखाई दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं, मैं वृंदावन गया, वहां पर मैंने भक्ति महारानी की ऐसी दुर्दशा देखी है, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जो है मरणासन्न पड़े हैं, मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। जन जन से पूछा मैंने, आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं कहा। अब बताइए कौन सा सत्कर्म किया जाए। सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई जाए। अब वो कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएगा कौन। तो कहा ये काम तो हम कर देंगे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा हम कर देंगे। उस समय वो मिले बद्रिकाश्रम आश्रम में। उन्होंने कहा कुछ हम उतर के आते हैं, कुछ वृंदावन से आप भक्ति महारानी को लेके आओ, और बीच में पड़ता है हरिद्वार, वहां पर जो है एक आनंद नाम का घाट है, वहां पर बैठ करके हम कथा सुनाएंगे और भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाएगा। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दिन निश्चित कर दिया। जब लोगों को पता लगा, आजकल तो कार्ड बांटे जाते हैं, रिक्शे से लगा करके बड़ा स्पीकर और मुनियादी भी की जाती है, जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन संगति कितनी आती है आपको पता है। बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की। यही तो मार खाते हैं हम कि हमको न ज्ञान चाहिए न वैराग चाहिए, क्षण भर के लिए भक्ति जरूर कर लेते हैं भगवान। ज्ञान वैराग्य को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब तक सत्कर्म नहीं होगा तब तक न ज्ञान आएगा और न ही वैराग्य आएगा। तो सत्कर्म करने के लिए सनक महाराज ऋषियों ने हाँ कर दी। आनंद नाम का घाट गंगा के किनारे मैया भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर के कैसे जैसे मरणासन अवस्था में थे उनको लेके पधारी। कथा प्रारंभ की गई। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वैसे ही चेतना जागने लगी ज्ञान वैराग्य को। जब लास्ट वाला दिन आया तो भगवान नारायण खुद अपने पार्षदों को लेकर गए। पहला नारद जी तो थे ही वहां पे, उद्धव जी, अर्जुन, श्री सुखदेव जी महाराज सभी पधारे। किसी ने ढोल उठा लिया, किसी ने मजीरा, किसी ने झांझ, किसी ने आलाप करने लगा, कोई गाने लगे। और आखिरकार जो सुप्त पड़े थे, मरणासन्न पड़े थे, वही ज्ञान वैराग्य नाचने लगे और गाने लगे। भक्ति महारानी का कष्ट इस प्रकार से दूर होगा। एक बार बांके बिहारी लाल की। ये कथा ऐसी पावन है जिसको सुनने से ज्ञानी तो तरते ही तरते हैं, लेकिन जिनका अधिकार नहीं है वो लोग भी तर जाते हैं। यज्ञेन कलौ पुनंदिते, जिनका अधिकार नहीं है भगवत कथा में वो भी तर जाता है। परमात्मा की कृपा जब होती है तो मन भगवत कथा में लगने को लगता है। लिखा है भागवत में कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै यज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विदाय तद उदते विवेक। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत कथा सुनने में मन लगता है, या सुनने को जी करता है, या सुनने को समय निकालते हैं। और फिर क्या होता है? जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, पुण्य का उदय होता है, भागवत कथा में मन लगता है। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब कहीं मिले सुनने के लिए तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यश श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रुते। जैसे ही हम इसको सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, दादा के धाम में कथा हो रही है, इच्छा प्रकट करते हैं, वैसे ही परमात्मा आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। अब जब भगवान ही आकर के हृदय में बैठ गए तो फिर राहत है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हर हर इंसान को इसका सेवन करना चाहिए, सुनना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने से अनाधिकारी भी तर जाते हैं, अधिकारी की तो क्या कहते हैं। अभी अभी एक बात सुनी मैंने, हमारे रविंद्र गर्ग जी पप्पा जी वैष्णो देवी चढ़ाई चढ़ के दर्शन करके आए। अब आपको पता ही है, चढ़ेंगे उतरेंगे तो पैर तो जवाब देंगे ही देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, देते ही जवाब देंगे। बंटी भैया से कहा, बंटी भैया क्यों चला जाना, मेरे तो पैर जवाब देंगे। लेकिन आकर के चले आए और बड़े पैरों में दर्द, लेकिन जैसे ही भागवत का स्पर्श हुआ वो दर्द पता नहीं कहां चला गया। सामने ही कहीं बैठे होंगे, पूछ लो भले। असत बांके बिहारी लाल की। भगवत कथा का बड़ा विलक्षण फल है, जो इंसान श्रवण करता है तर जाता है, चाहे अधिकारी हो या अनाधिकारी हो। अधिकारी है तो कुछ ज्यादा फल मिले, अनाधिकारी है तो भी तर जाए। क्योंकि अग्नि को जैसे आप छुओगे तो क्या करेगी? जलाएगी। चाहे आप नमस्कार करके छुओ, चाहे आप गाली दे करके छुओ, चाहे आप जान के छुओ अथवा अनजाने में छुओ, अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही परमात्मा की पावनी कथा तुम जान के सुनो, अनजाने में सुन लो, अधिकारी सुन लो, अनाधिकारी सुन लो। जैसे आग हर किसी को जलाती है, ऐसे ही भागवत की कथा हर किसी को तार देती। और ये नहीं देखती कि ये तरने का अधिकारी है या नहीं। इसके लिए पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पुराने समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। बड़े धर्मात्मा थे, शिलाचार थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी धुंधली, उसका नाम था, वो उल्टा थी। उल्टा विचार उसका था, कभी अच्छे विचार उसके नहीं थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अच्छे इंसान को कुसंग मिल जाता है। किस्मत में जो लिखा जैसा। पर ब्राह्मण देवता खुश हैं, इतने पर भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। ब्राह्मण देवता नित्य प्रति परमेश्वर का पूजन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की संतान नहीं हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान नहीं भी है तो भी इच्छा प्रकट नहीं होती है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे इच्छा प्रबल हो जाती है कि हाय मेरे है नहीं तो संतान क्यों नहीं है। बैरागी पुरुषों को भी कोई ऐसा समय होता है जो झकझोर के रख देता है। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर से खाना खाके बाहर निकले। बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि जो जमादारनी है वो पीट करके खड़ी है। उन्होंने सोचा कोई कारण होगा, लेकिन दूसरे दिन निकले तो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन निकले तो तीसरे दिन भी, चौथे दिन निकले तो चौथे दिन भी। आखिरकार उनके मन में ये विचार आया कि ये देवी मेरी को देख करके मुंह क्यों फेर लेती है, कारण क्या है? संतान न होने के कारण जिस दिन मैं आपका मुंह देख लेती हूँ, उस दिन मेरा पति बिना कारण ही मुझे मारता है। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पंडित जी के मन में अब तक तो इच्छा नहीं थी कि मेरे संतान हो, लेकिन अब जाग पड़ी, हाय मैं इतना पापी हूँ कि कोई मेरा दर्शन कर ले तो उसको भी नुकसान होता है। छोड़ दिया घर बार, जंगल में चल दिए, रोने लगे, सोचने लगे। लकड़ी इकट्ठी की, चिता बनाई और जलने के लिए तैयार हो। उसी समय एक साधु संत चले आए। संतों ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं गुरुजी मत पूछो क्यों रो रहा हूं। कि नहीं बताओ क्यों रो रहे हो? नहीं गुरुजी मत पूछो क्यों रो रहा हूं। कि नहीं बताओ बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए आत्मदाह करने के लिए आया हूं, मरने के लिए आया हूं। संतों ने कहा बेटा मैंने तेरा मस्तक पढ़ लिया है, तेरे भाग्य में एक जन्म तो क्या 7 जन्म पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। 17 जन्म अवधि तब पुत्र नहीं बचा, नहीं है तुम्हारे, 7 जन्म तक पुत्र होने वाला नहीं है। और बेटा पुत्र से किसी को सुख नहीं मिला है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सुख मिला? चित्रकेतु ने बड़े जिद करके अंगिरा से नारद जी से पुत्र प्राप्त किया, क्या सुख मिला? तो तुमको भी सुख मिलने वाला नहीं। आशा को छोड़ दे, वैराग्यम परमम सुखम, अरे वैराग्य में बड़ा सुख है।